हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी यूनिवर्सिटी चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें हम आपको जो है ऑस्ट्रेलिया की एक नहीं बल्कि चार चार वैकेंसी के बारे में जो है बताने वाले हैं। और ये सारी जो वैकेंसी है ये फार्म से जो है रिलेटेड है, मतलब एग्रीकल्चर से जो है ये सारी वैकेंसी रिलेटेड है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी है वैकेंसी और किस तरह से जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो बिना कोई देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा वीडियो। वैसे तो हर कोई कनाडा को जो है टारगेट करता है फार्म वर्कर के लिए, क्योंकि उनके जो है फार्म में काफ़ी सारे वैकेंसीज निकलते हैं। और अभी एक जो है पिकर की वैकेंसी भी है, तो अगर आप जो है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं देन ज़रूर जो है हमारी वेबसाइट abroadjobhub.in में विज़िट कर सकते हैं और उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट फिलहाल जो है हम कनाडा के बारे में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप जो है ऑस्ट्रेलिया की जॉब साइट पे जाके लिखेंगे फार्म वर्क, अगर आपको जो है बहुत सारी वैकेंसीज मिलेंगी, लेकिन उसमें से जो मैक्सिमम वैकेंसीज हैं वो हैं ऑस्ट्रेलियन के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए जिसके पास ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट है। लेकिन ऐसे बहुत कम जॉब मिलेंगे जिसमें कि आपको स्पॉन्सरशिप मिल रही होगी। तो हम जो है ऐसी जॉब्स लेके आए हैं जिसमें कि आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी और आप जो है अब्रॉड जा सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी है जो वैकेंसी। सबसे पहली जो यहाँ पे वैकेंसी है वो है फार्म हैंड की, जिसका मतलब है फार्म वर्कर की जो है यहाँ पे वैकेंसी है। और इसमें अप्लाई करने के लिए जो है आपको एजुकेशन की भी उतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा गया है कि इतनी एजुकेशन चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप जो है 10th पास है देन ऑल्सो जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन की उतनी ज़्यादा जो है रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको जो है हार्ड लेबर करना आना चाहिए और आपको जो है फार्म का काम आना चाहिए। ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं देन आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको जो है वहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि आपको जो ये काम आता है। तो इसलिए जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं देन ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। दूसरी जो वैकेंसी है वो है फार्म मैनेजर की। इस प्रोफाइल में जो है आपको जितने भी फार्म वर्कर हैं उनको मैनेज करना है, जो प्रोडक्ट है उन्हें मैनेज करना है। इसमें जो है एजुकेशन थोड़ी सी चाहिए, इसमें जो है बैचलर डिग्री अगर आपके पास हो देन आप जो है इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है मेंटेन करनी पड़ेंगी। जो स्टॉक है उसे देखना पड़ेगा, फार्म वर्कर की जो सैलरी है, उनकी प्रेजेंट्स है, उनके जो लीव्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ेंगी। तो इस हिसाब से जो है आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो मिनिमम ग्रेजुएशन यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज ए फार्म मैनेजर अगर आपके पास जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस है देन आप जो है इस पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस मस्ट रखा गया है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन आप जो है फार्म मैनेजर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो वैकेंसी है वो है लाइफ स्टॉक मैनेजर की। जैसे कि फार्म में सिर्फ एग्रीकल्चर का ही नहीं बल्कि पशुपालन भी किया जाता है, तो यहाँ पे जो लाइफ स्टॉक हैं वहाँ पे जनरली जो है सिर्फ गोट और काव होते हैं, तो इसको जो है आपको मैनेज करना चाहिए और इसमें जो है लाइफ स्टॉक मैनेजर की वैकेंसी है। तो अगर आप जो है लाइफ स्टॉक मैनेजर में जाना चाहते हैं तो इससे भी रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें भी अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री चाहिए। अगर आपको जो है विदाउट एजुकेशन वाला जॉब चाहिए देन फार्म हैंड है, उसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। बट बाकी जो मैनेजर लेवल की जॉब्स हैं उसमें मिनिमम जो एजुकेशन है वो बैचलर डिग्री मांगी गई है और 5 से 8 साल का जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इतना अगर आपके पास है देन आप जो है इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और आखिर में जो वैकेंसी है वो है सीनियर डेयरी मैनेजर की, जिसमें कि आप जा सकते हैं अगर आपके पास इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है। तो इसमें एजुकेशन पे उतना फोकस नहीं है, बट इसमें जो फोकस है वो है आपका एक्सपीरियंस पे, क्योंकि ये जो है सीनियर लेवल की मैनेजर की जो है पोजीशन है और डेयरी फार्म में जो है ये चीज़ है। तो अगर आप जो है डेयरी फार्म का काम जानते हैं देन आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर डेयरी फार्म मैनेजर की जो है ये पोजीशन है और जैसे मैंने कहा कि अगर आप बैचलर हैं देन इसमें अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ 8 साल का जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये थी कुछ वैकेंसी। अब बात करते हैं किस तरह से इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जो है हमारी वेबसाइट www.abroadjobhub.in पे जो है विज़िट करना है और वहाँ पहुँच के जो है आपको सारी वैकेंसीज मिल जाएंगी। वहाँ पे जो है आपको फार्म हैंड की वैकेंसी मिल जाएगी, फार्म मैनेजर की वैकेंसी मिल जाएगी, लाइफ स्टॉक मैनेजर की भी जो है वैकेंसी मिल जाएगी और सीनियर डेयरी फार्म मैनेजर की भी वैकेंसीज मिल जाएंगी। तो अगर आप जो है यहाँ पे इन सब में अप्लाई करना चाहते हैं तो उन पोस्ट पे क्लिक कीजिएगा जिस पोस्ट में आपको जाना है, और उसके बाद जो है आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें जो है वहाँ पे रिक्वायर्ड है, कौन से लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे जो है एम्प्लॉयर की ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगी, अपना सीवी
और कवर लेटर जो है उन्हें सेंड कर दीजिएगा। कोशिश यही कीजिएगा कि आप जो है ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट में अपना सीवी और कवर लेटर बना के जो है उन्हें सेंड करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, देन ऑस्ट्रेलिया का जो सीवी फॉर्मेट है उसे फॉलो कीजिएगा और उसमें जो है अप्लाई कर दीजिएगा। काफ़ी बेहतरीन मौका है एज ए फार्म वर्कर वहाँ पर जाने का, चाहे आप फार्म वर्कर के लिए जा रहे हैं या फिर मैनेजर के पोजीशन के लिए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा मौका है। यहाँ पे जो है एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सरशिप भी देने वाले हैं, तो ये जो है काफ़ी अच्छा मौका रहेगा। इवन किसमें से कुछ वैकेंसीज में जो है एम्प्लॉयर आपको रेसिडेंस भी दे रहे हैं, मतलब रहने का जो है जगह भी आपको वहाँ पे मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलिया जाने का। अगर आप जो है इंटरेस्टेड हैं देन अपनी तरफ से जो थोड़ा सा छानबीन कर लीजिएगा और हमारी पोस्ट जो है देख लीजिएगा, और अगर आपको सही लगे देन आप जो है इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने कहा हमारी वेबसाइट abroadjobhub.in पे जो है विजिट कर सकते हैं और वहाँ से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहता था आज के हमारे इस वीडियो में। होप कि जो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है देन लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।